नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल शहीद भगत सिंह फिजिकल एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज साइंस के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम चाहे SSC का हो, रेलवे का हो, या दिल्ली पुलिस का हो, या फिर इंडियन आर्मी का हो, कोई भी कंपिटेटिव एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखिए और आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दूरदृष्टि रोग में कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? दोस्तों, इसका उत्तर है, इस रोग में नज़दीकी वस्तु दिखाई नहीं देती। दोस्तों, इसका कारण है, लेंस की फोकस दूरी बड़ी हो जाती है और इसका उपाय है उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि रोग में कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? दोस्तों, इसका उत्तर है, इस रोग में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। उपाय है इसका अवतल लेंस और इसका कारण है लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। अगला क्वेश्चन है, मानव आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दोस्तों, इसका उत्तर है, रेटिना या दृष्टिपटल। अगला क्वेश्चन है, वर्ण अंधता या कलर ब्लाइंड रोग क्या है? दोस्तों, इसका उत्तर है, इस रोग में रोगी को रंगों की पहचान नहीं हो पाती, मुख्य रूप से लाल, हरा और नीला रंग की पहचान कर पाना मुश्किल होता है। दोस्तों, उपाय है, दोस्तों इस रोग का कोई इलाज नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में आँख का कौन सा हिस्सा दान दिया जाता है? दोस्तों, इसका उत्तर है, कोरोनिया। अगला क्वेश्चन है, आंसू में पाया जाता है? दोस्तों, इसका उत्तर है, लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन है, नकली आंसू के लिए किसका प्रयोग किया जाता? दोस्तों, इसका आंसर है, ग्लिसरीन। अगला प्रश्न है, आँखों के लिए ज़रूरी विटामिन है? उत्तर है इसका, विटामिन ए। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रमुख रंग कौन से हैं? दोस्तों, इसके जो टाइपिंग में है गलती हुई है, इसका क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? इसका उत्तर है, लाल, हरा व नीला। आज का आखिरी क्वेश्चन है, टेलीस्कोप में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, इसका उत्तर है, उत्तल लेंस का। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।